नमस्कार, आप देख रहे हैं यस टीवी। इंद्री का डब कोली खुर्द एक ऐसा गांव है जहां पिछले कई सालों से बिजली नहीं है, जिसके चलते यहां के ग्रामीण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में गांव के लोगों ने खेतों में से ही बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके एक्सियन पावर हाउस करनाल ने यह कहा कि गांव के अंदर अलग से बिजली के कनेक्शन दिए जाएंगे। सिक्योरिटी भी भरवाई थी, जिसके लिए पूरे गांव के लोगों ने बिजली के कनेक्शन के लेने के लिए सिक्योरिटी भी भरी, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी गांव वालों की समस्या जो की त्यों ही है। नाम सतपाला जी, मैं गांव डबकोली खुर्द का सरपंच हूं। जी, क्या समस्या है गांव मौजूदा? मेरे गांव में बिजली की बहुत भारी समस्या है। जब से मतलब की लाइट आई, कम से कम ऐसे 20-30 साल है खेतों की लाइट है, जो थोड़ी सी भी हवा चल जा तुरंत लाइट गुल हो जाए, बिल्कुल भी नहीं आंधी, कई कई दिन लग जाए लाइट आने में, जैसे आंधी तूफान। कितने दिनों से समस्या आपके गांव में है ये? तो बहुत समय से, बहुत लंबे टाइम है जी समस्या ना। उसके अच्छा। बाद हम सारे अधिकारियों से पेश हुए जी, फिर उसके बाद हमारा मतलब कि खंभे तो कट गए जी 6 महीने के स्पेशल लाइन के, तो अब तक मतलब कि केबल नहीं मिल पाई। SDO साहब से जी नेवल भी मिले, एक्शन साहब से भी मिले और SC साहब से मिले, जिप भी मिलने के लिए जाते हैं हर 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, तो उन्हें कहते हैं भाई अभी समय लगेगा, अभी केवल की एडजस्टमेंट हो नहीं पाई, तो आपको टरकाया जाता है। हाँ जी, उसके बाद मंत्री जी के पास भी पेश हुए जी, फिर मंत्री जी ने फ़ोन भी किया SC साहब को, भाई वहाँ जल्दी से जल्दी केवल की व्यवस्था करो। उसके बाद फिर गए, फिर उन्होंने मतलब के अधिकारियों ने ऐसे ही बोल दिया अभी केवल नहीं अभी मिल पा रही, तो उसकी वजह से बहुत भारी परेशानी रही। तो गर्मी से क्या क्या दिक्कत आ रही, बच्चों की पढ़ाई में बाधित हो रही है? गर्मी से जी बहुत भारी समस्या रही जी, बच्चे जैसे स्कूल में जहाँ जी स्कूल का होमवर्क नहीं हो पाता, रात को पढ़ नहीं सकते बच्चे, उसके बाद बिजली नहीं आने जी, मच्छर मक्खी बहुत भारी समस्या रही, जिसके बाद बीमारियां बहुत फैल रही जी गांव में। इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।